गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत होने से हड़कंप मच गया। मामला इंद्रपुरम के शिप्रा इलाके का है, जहां एक फ्लैट में शुभी नाम की लड़की अपनी दोस्त के साथ रहती थी। बताया जा रहा है कि रविवार रात को उसके यहां कुछ मेल फ्रेंड्स आए थे और इसी दौरान शुभी के चिल्लाने की आवाज भी आई, जिसके बाद एक लड़की और उसके दोस्त शुभी को फोर्टिस अस्पताल ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामला संज्ञान में आने पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना इंद्रपुरम क्षेत्र के शिप्रा सन सिटी सोसाइटी पाम रोड पे रहने वाली एक 22 वर्षीय लड़की के द्वारा आत्महत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। और ये सूचना हम लोगों को मिली सुबह कि उसके दोस्तों के द्वारा फोर्टिस नोएडा में ले जाके उसको एडमिट कराया गया था और बाकी जो हॉस्पिटल से मेमो आता है उसके द्वारा सूचना प्राप्त हुई, तो इस सूचना पे आगे जांच की जा रही है, जो भी लीगल एक्शन है वो लिया जाएगा। मृतक के परिवार वालों की माने तो लड़की के गले पर कुछ फंदे के निशान भी पाए गए हैं। वही मामले के बाद शुभी के दोस्त फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। न्यूज ब्यूरो।